अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज यासर रियाज। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में से है, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। एक डेफिनेशन तो ये, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर that all exist in the biology. Biologist and the man, the person who study biology, who study related biology is known as biologist. Like the biologist deal with the living part of nature, and the biologist deal with the non-living things affect on the living things. They identified the structure, functions and different aspects of the living things. Or some branches of biology which are ecology. In case of ecology, we deal with the study of environmental relationship between the organism and the environment. Embryology, in case of embryology, we study the development of embryo into the complete organism, complete individual. Physiology, in case of physiology, we understand this function and structure of different part of the physically structure or physically structure and form of the organism. And in case of morphology, there are two type of morphology: internal morphology, external morphology and anatomy. In this case, we identify the internal structure of the body, internal organ structure, internal pathways are exist in the case of morphology. Histology is the microscopically study of tissues. Microscopically study of tissues को हम क्या कहते हैं? Histology. Histo mean क्या होता है? Tissues. Histo mean है tissues. Histology is the study of tissues. Paleontology is the study of fossils. Fossils वो बकाया जा जो ancient time से रॉक्स के अंदर दब जाते हैं, तो उनके हम जो मुतायला करते हैं फोसल्स, को से हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, लाइक टेप वर्म्स हो गए, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आ जाते हैं स्टडी ऑफ जीन, हेरिडिटी, हेरिडिटी उसकी यानी कि विरासत को स्टडी, विरासत को स्टडी करना कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है एक जीन की पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, लाइक कलर, लाइक आई कलर, हेयर कलर एटसेट्रा, हेरिडिटी ट्रांसफर स्टडी इन केस ऑफ जेनेटिक्स। जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर। इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इन नेचर के अंदर, नेचर के अंदर एनिमल किस तरीके से अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, किस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, लाइक ह्यूमंस हो गए उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हशरात हो गए, इंसेक्ट्स लाइक और दूसरे एनिमल्स हो गए, दैट एग्जिस्ट इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच इज नोन एज जूलॉजी। सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन केस ऑफ बायोलॉजी, सम मेजर फील्ड है स्पेशलाइजेशन की, उसमें आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। In case of molecular biology, we deals with the study of structure of organism, the cells and their organelles at molecular level. यानी कि हम molecular level पे structure, organism के structure को study करते हैं, cell और उनकी organelles की study जो हम करते हैं molecular level पे ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? Molecular biology. Environmental biology क्या है? In case of environmental biology, we deals with the organism relationship with the environment. ये organism का environment के साथ क्या relation है? क्या changes आती हैं कि organism environment जब change हो तो organism के अंदर क्या changes आती हैं? अगर environment hot होता है तो वो living style change कैसे करता है कोई भी organism, human हो या कोई भी animal हो या कोई भी organism हो, वो एनवायरनमेंट के साथ अपना लिविंग स्टाइल कैसे चेंज करता है, उसमें हम एनवायरनमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और दूसरा, और ह्यूमन एक्टिविटीज, और ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरनमेंट के साथ चेंज होती रहती हैं,
जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज भी चेंज होती हैं। यानी कि अगर सर्दियों के अंदर हम गर्म चीजें ज्यादा यूज करते हैं बनिस्बत गर्मियों के, उससे क्या है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के इन्वायरमेंटल अफेक्ट है जिसकी वजह से हम ये अडॉप्टेशन कर रहे हैं। दूसरी माइक्रोबियोलॉजी, नंबर थर्ड मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है माइक्रोबियोलॉजी, वी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दिस केस वी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, लाइक जैसा कि यीस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया। इस केस में हम क्या करते हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबियोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर लाइक रिवर एंड लेक्स के अंदर। जो ऑर्गेनिज्म रिवर के अंदर लेक्स के अंदर जो कि फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं उसमें रह रहे होते हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, फ्रेश वाटर बायोलॉजी के में। नंबर 5 है मैरीन बायोलॉजी, इन केस ऑफ मैरीन बायोलॉजी वी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लाइफ इन सी और ओशन। जो ऑर्गेनिज्म समंदर के अंदर रह रहे होते हैं तो उनकी स्टडी के लिए जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैरीन बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी के केस में हम क्या चीज स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म की उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरीके से वो ट्रांसमिशन करते हैं, लाइफ हिस्ट्रीज उनकी स्टडी करते हैं, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप चेक करते हैं। इन केस ऑफ पैरासाइटोलॉजी केस में होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप में जैसे कि हो गया कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। और 7 नंबर पे है ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की यानी मैन की स्टडी को, जिसमें हम उसकी जेनेटिक्स प्रोफाइल को देख सकते हैं, उसकी इकोलॉजी को, उसके मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी के केस में। और हम इसमें ह्यूमन का जेनेटिक प्रोफाइल, जेनेटिक्स, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। और इसके अंदर सोशल बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी सोशल बिहेवियर, वी स्टडी द सोशल बिहेवियर। इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अनदर ऑर्गेनिज्म। एंड वन अनदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज बायोटेक्नोलॉजी। इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर और सर्विसेज इंडस्ट्रीज के अंदर। किस तरीके से, अगर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड एक फूड बनानी है, जीएमओ फूड बनानी है, तो उसके अंदर हम जेनेटिक उसके प्रोफाइल को चेंज करते हैं और एक न्यू वैरायटी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि ह्यूमन के लिए फायदेमंद होती है। और दूसरा देखें, अगर हमने मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करानी है तो हम जेनेटिक प्रोफाइल के अंदर चेंजेस लाते हैं, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में एग्जिस्ट करता है। और इस तरीके से अगर हमने मीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो हम उसके जेनेटिक प्रोफाइल, जो भी एनिमल्स होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसके जेनेटिक प्रोफाइल में चेंजेस ला के उसकी मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ये सारी चीजें किसमें एग्जिस्ट करती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आज का हमारा टॉपिक ये कम्प्लीट हुआ यहाँ तक था, जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है और उसके कुछ मेजर ब्रांचेस के बारे में, कि उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ा, कुछ मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। तो इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे इस पेंडेमिक सिचुएशन में घरों में बैठे हुए हैं तो वो ईजिली अपनी स्टडी जारी रख सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।